का इशारा हो रहा है। रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में आज लिथियम प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। डीसी रियासी और एसएसपी रियासी इस मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा ही इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। बट खुशी है क्योंकि हमारे यूथ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के थ्रू एंगेज करना, इसी में लाने के लिए, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करना जरूरी है। लिथियम प्रीमियर लीग के मुख्य ऑर्गेनाइजर करणदेव सिंह हमारे साथ हैं, पत्रकार भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ी सी जानकारी दीजिए इस प्रतियोगिता के बारे में। लिथियम प्रीमियर लीग हमने इस टूर्नामेंट का नाम रखा है और इस बार हमने एक यूनिक सा थोड़ा सोच रखी थी कि हम इस बार जो है वो प्लेयर्स को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इस टूर्नामेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए जो है वो कुछ नया सोचें। तो प्राइस तो पहले भी रखे जाते थे, कैश प्राइस होते थे, लेकिन इस बार हमने जो है वो मैन ऑफ द सीरीज बाइक, स्प्लेंडर बाइक जो है वो रखी है स्पेशली। बिल्कुल रियासी में तो पहली बार ही हो रहा है कि बाइक जो है वो स्प्लेंडर हमने टू व्हीलर जो है वो मैन ऑफ द सीरीज रखी हुई है और 1.5 लाख रुपये रनर अप है और जो टीम विजेता रहेगी इन 32 टीमों में से जो टीम जीत करके यहाँ से जाएगी उसको 4 लाख रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा। और भी जो कैश प्राइसेस हैं जिस तरह से मैन ऑफ द मैच जो रहेंगे वो 2100-1100 के तौर पर जो है वो इस प्रकार से दिए जाएंगे। कितने दिनों तक ये लिथियम प्रीमियर लीग चलेगी और क्या उम्मीदें हैं? एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। बिल्कुल पिछली टूर्नामेंट से ही तो बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि 4 लाख इसमें विनर रखा गया है, 1.5 लाख रनर अप है, मैन ऑफ द सीरीज जो है वो स्प्लेंडर बाइक रखी गई है और लाइव टेलीकास्टिंग जो है वो पूरा पारदर्शिता सिस्टम से जो है वो हम चल रहे हैं। क्योंकि कोई अगर प्लेयर्स अगर कोई आपत्ति जताता है या कोई, क्योंकि बड़े मैचेस होंगे तो इसमें विवाद भी हो सकता है, इसी के चलते हमने एक पारदर्शिता एनालिसिस सिस्टम रखा है। किसी को भी अगर कोई शक होता है तो वो रिव्यू देख सकता है, ले सकता है और तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो हम चल रहे हैं। कहाँ कहाँ से टीमें हिस्सा लेंगी? बिल्कुल नागपुर है, उड़ीसा से हैं, जम्मू कश्मीर के भी क्लब्स हैं, लुधियाना के हैं और तमाम राज्यों से, हिमाचल से हैं, स्पेशली हिमाचल से भी है। तो आउट ऑफ स्टेट यूटी के जो टीमें हैं वो खास तौर पर काफी रुचि रख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खेलने को लेकर। लगातार क्रिकेट चलता है, बिल्कुल बुखार चढ़ रहा है लोगों को ना क्रिकेट का, तो हमें भी चढ़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा बढ़ाएं, प्राइस भी बढ़ाएं ताकि प्लेयर्स जो है वो बढ़ चढ़ के खेलें। लोकल टीम को भी हमने एक स्पेशली ऑफर दिया, ज्यादा होगा तो बाहर से ज्यादा टीमें आएंगी। बिल्कुल अंजित, देखो कई बार हम देखते हैं कि कमेंट्स आते हैं कि लोकल टीम को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, लोकल टीम अगर यहाँ पर खेलेगी बड़े प्लेयर्स के साथ तो एक उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो सकता है उन प्लेयर्स को, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो अगर रियासी में आकर के खेल रहे हैं आपको सीखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ। और वही सही लगती है। तो जम्मू कश्मीर के बाहर से भी टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और एक बड़ा टूर्नामेंट ये देखने को मिलेगा। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।